हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, यूनिक है। और आज चलिए ज़्यादा टाइम बातें नहीं करते, मैं बताती हूँ आज का टॉपिक क्या। आज हम बनाएंगे DIY ग्लोइंग ग्लिटरिंग बीबी क्रीम, और वो भी सिर्फ घर की जो हम लोग यूज करते हैं डेली, वही चीज़ें से बनाएंगे। ज़्यादा कुछ आइटम लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग को क्या होता है कि बीबी क्रीम अच्छा होता है डेली रूटीन के लिए, डेली कवरेज के लिए अच्छा होता है। जैसे कि अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छा कवरेज को और भी अच्छा इम्प्रूव किया जाए। इसमें थोड़ा ग्लिटरिंग लाया जाए, थोड़ा ग्लोइंग लाया, थोड़ी हाईलाइटिंग लाए। देख रहे हैं मेरा स्किन ग्लो, मैं बट डेली वही लगाती हूँ, ज़्यादा मुझे अलग से कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सारा उसमें ही कवर हो जाता है मेरा। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं कैसे है DIY। देखिए मैंने पहले से ये बना रखा है, ये ग्लो सीरम है, ये देख सकते हैं आप। ये इसके भी इसका भी चाहिए तो मैं ये भी बताऊंगी। मैं डेली ये नहाने के बाद ही डेली सुबह ये लगा, अच्छा था। आप डेली लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले का आपका स्किन कैसा था और अभी कैसा है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाता है। ये अच्छा है। और ये अगर आपके पास ये नहीं है अगर, तो आप डेली का मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, तो उसमें भी बना सकते हैं। तो इसमें एलोवेरा है, तो ये ज़्यादा सबकी स्किन के लिए अच्छा होता है, और अच्छा होता है स्किन के लिए, सबको ही पता है एलोवेरा। तो मैं इसमें ही बनाती हूँ। तो ये मैं थोड़ा फाउंडेशन ले लेती हूँ। ये मैंने फिटमी का ले रखा था, ये देखिए ये फिटमी का। ये फाउंडेशन से ये भी होता है कि कभी कभी इसमें बीबी क्रीम से ही होता है, कभी कभी हम लोग फाउंडेशन ले लेते हैं, गलत चॉइस कर लेते हैं, जिसे तो कभी कभी हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं या थोड़ा व्हाइट हो जाता है, तो स्किन से मैच नहीं करता। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा है। ये देखिए मैं इतना डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, आधा चम्मच के करीब डालूंगी। ये देखिए एक मिनट, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी सनस्क्रीन। इसमें सारा चीज़ मैं डालूंगी, मतलब अलग से कुछ भी, सुबह अपना उठो बीवी नहाए धोए और ये थोड़ा सा लगाइए, और ये इसमें डाल के लगाएंगे तो ग्लोइंग लगेगा, मतलब ज़्यादा हैवी भी नहीं स्किन फील होगी, और लगेगा मतलब बिना नो मेकअप टू मेकअप लगेगा। तो यही है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। तो सनस्क्रीन भी अलग से आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा इसमें मिल जाएगा। सनस्क्रीन तो पता है आपको स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, सनस्क्रीन जरूर लगा लेती हूँ सनस्क्रीन। ये भी मैं आधा चम्मच के करीब ही लूँगी, क्योंकि मैं थोड़ा ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, डेली के लिए थोड़ा ही अच्छा रहता है। ये देखिए मतलब एक बनाइए, 1 मंथ या 15 दिन के बेसिस में बनाई जाए। मैं आधा चम्मच के करीब ही ली हूँ, और फिर इसमें मेरा मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है ये जो देख रहे हैं मेरा लाइट साइन, बस मैं यही लगाती हूँ जिससे मेरे ग्लो करता है। ये है देखिए हाइलाइटिंग, ये है रेवलेशन का, अच्छा होता है। मैंने बहुत ज़्यादा होता है इसमें, इसका भी चाहिए तो रिव्यू मैं कर दूंगी। इसमें मतलब इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ये अराउंड 450 या 50 के आसपास ऐसे आता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये अच्छा होता है हाइलाइटिंग के लिए। तो ये भी मैं इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ, जिससे थोड़ा मेरा जो ग्लो आया है वो मैं इतना ही डालूंगी। देखिए मैं पहले से टूट चुका था तो मैं इतना ही डालूंगी इसमें। ये देखिए ये बस, आपकी स्किन ऑयली है तो आप कम्फर्ट पाउडर डाल सकते हैं, ये भी मैं मेबेलिन का डालूंगी। अगर आपका स्किन और ड्राई है तो आपके कम्फर्ट पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही अच्छा है। लेकिन अगर आपका ऑयली है तो आप थोड़ा सा डाल दीजिए। ये देखिए मैं थोड़ा सा ऐसे करके इसको निकाल लेती हूँ साइड से। ये भी इसके लिए भी अच्छा है, जैसे कि आपका सब खत्म हो गया है तो आप इसमें ऐसे यूज कर सकते हैं, सारी चीज़ें खत्म हो जाती है तो ये बना के यूज़ कर लीजिए। ये भी एक फ़ायदा है, और डेली का ज़्यादा वो भी नहीं है कि चलो हमें अलग से सनस्क्रीन लगाना है, अलग से मॉइस्चराइजर लगाना है, फिर बीबी क्रीम लगाना है, ये लगाना है, सारा ही एक में ही सारा मिल जाएगा। अच्छा कवरेज देता है और अच्छा होता है, स्किन ग्लोइंग शाइनिंग रहती है, और ज़्यादा ऐसा भी नहीं लगता है कि हमने ज़्यादा मेकअप लगा के रखा है, तो मेकअप भी ऐसा कम लगता है, और अच्छा बहुत ही अच्छा है। बना के देखेंगे, लगाएंगे तो आप मेरी गारंटी है कि आप लगाते हुए लगाना भूल जाएंगे। ये सब कुछ मतलब अच्छा है, मैं बहुत साल से ही लगाती हूँ, यही लेती हूँ, अच्छा होता है मेरे लिए, इजी भी पड़ता है। और जब ज़्यादा आपको हाइलाइटर डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ही डालिएगा, जैसे मतलब ज़्यादा ऐसा ना दिखे कि बहुत लगा है, थोड़ा डालेंगे साइन अच्छा आएगा और ग्लोइंग वैसे भी लगेगा, धूप में जाएंगे तो जिसकी आप स्किन आपकी ग्लोइंग लगेगी। तो आपको अगर आपके पास हाईलाइटर नहीं है तो आप ये भी कर सकते हैं,
कोई आई शेडो रहे व्हाइट कलर का, ग्लिटरिंग कलर का, ग्लिटर कलर का, वो भी आप थोड़ा सा मिला के डाल सकते हैं इसमें, तो वो भी अच्छा हो जाता है। ये कुछ ऐसा दिख रहा, लग रही ना एकदम बाजार वाली बीबी क्रीम लग रही है। इसको मैं लगा के भी दिखाती हूँ, एकदम अच्छे से मेल्ट हो जाता है, मतलब ये भी नहीं कि ज्यादा वो और ड्राई भी लगे। ये देखिए साइन देख रहे हैं आप। चलिए मैं ये वेस्ट मैं नहीं करती हूँ ज्यादा प्रोडक्ट, यही मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ। बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा हमको करने की ज़रूरत नहीं होती है, मेल्ट बहुत अच्छे से हो जाता है। ये देखिए लाइन देखिए डिफरेंट। तो देखिए कितना अच्छा है, कितना इजी है और कितना ग्लोइंग लगता है स्किन अपनी, ये में देख ही सकते हैं आप। ये देखिए और ये देखिए, मैंने भी ये इसमें भी वही लगा के रखा है, मैं उससे ही मेकअप करती हूँ। ये मैं आपको डेमो के लिए लगा के बता रही हूँ, तो ज़्यादा कुछ हमको अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अलग से चलो हम सनस्क्रीन लगाएं, अलग से मॉइस्चराइजर लगाएं और अलग से फिर चले बीबी क्रीम लगाएं, फिर कवरेज नहीं मिलती तो यहाँ हाइलाइटिंग लगाएं, यहाँ लगाएं, वो लगाएं, ऐसा कुछ नहीं। बस एक ही चीज़ ये लगाइए और एक ही चीज़ में सारी चीज़ें मिल जाएगी। अच्छे से बनाइए और 15 दिन का बेचिस में बनाइए, 1 महीना का बना लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और बना के लगाइए, आपको कुछ भी अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और लगाइए और फिर बताइएगा कैसा है, गारंटी आप बीबी क्रीम लगाना भूल जाएंगे। तो अच्छा होता है, होममेड है, ज़्यादा कुछ डिमा नहीं है, घर की ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ मतलब खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब अलग से बहुत महंगी महंगी चीज़ से बनी है, घर की ही जो हम लोग डेली रूटीन में करते हैं बस उसकी ही चीज़ें से बनी है ये, और अच्छी है। तो ऐसे ही कुछ अगर और भी टॉपिक पे चाहिए आपको, होममेड चाहिए जो ज़्यादा अफोर्डेबल हो, ज़्यादा महंगी ना हो और अपने को अच्छा रीजनेबल हो, तो बताइएगा, मैं उस पर भी DIY करके बता दूंगी और अच्छे से बनाऊंगी। अगर आप मेरा ग्लो सीरम जो मैं डेली लगाती हूँ उसका भी चाहिए तो वो भी मैं बता दूंगी। तो मैं ये बस इससे ही होता है, मैं यही लगाती हूँ डेली और बस। और आगे भी कुछ ग्लिटर चाहिए कि आपका नोज हाईलाइट हो, ये देखिए तब यहाँ लगा सकते हैं, देखिए। तो ये लगा लीजिए, अगर आपको ये मेरा टॉपिक अच्छा लगा है, मेरी ये होममेड क्रीम ये, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, कमेंट करके बताइएगी आपको कौन सा और होममेड चाहिए जो मैं बना के अच्छे से बता सकूं। तो तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए मेरे इस चैनल को, मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग और यूनिक टॉपिक पे और डिफरेंट टॉपिक पे।